सर कैसे हैं आप? सर आज हम लोग इंटरेक्ट करेंगे और एक कैजुअल टॉक अबाउट यू नो आईआईटी एक्सपीरियंस एंड आईआईटी प्रिपरेशन। बिल्कुल बिल्कुल सर, सर बच्चे डिमांड भी करते हैं सर अक्सर इस तरीके के। बच्चे बहुत डिमांड करते हैं कि सर आप मैंने कई वीडियोस बनाए लेकिन बच्चे बोलते हैं कि सर आप जब क्योंकि दो दो सब्जेक्ट्स अगर होंगे सर तो बच्चे के लिए बेनिफिट बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। तो काफी मतलब अच्छा रहता है इसमें इंटरेक्शन, कई सारी डाउट्स बच्चे हमसे मतलब मुझसे पूछते हैं, कई सारे आपसे पूछते हैं, और देखने का नजरिया जो है वो सबका एक जैसा तो नहीं होता। ठीक है, तो बच्चों के लिए भी एक अलग ही एक्सपीरियंस रहेगा कि उनको जवाब जो है वो बढ़िया से, क्योंकि एक कोई क्वेश्चन होगा तो मेरे ख्याल से आप भी उसके ऊपर कमेंट कर रहे होंगे और मैं भी अपने इनपुट दे रहा हूँगा, तो बच्चों को वो वाकई में अलग ही एक माहौल रहेगा उनका सीखने का आज के सेशन से, आई थिंक। बिल्कुल सर बिल्कुल। सर बच्चे अक्सर एक जो प्रॉब्लम पूछते हैं वो ये रहता है कि जैसे मैथ्स में भी सर क्या होता है कि मैथ्स में कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं एंड दैट इज फॉलोड बाय, हम लोग होमवर्क देते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग बिल्कुल के लिए। सेम गोज फॉर केमिस्ट्री, सभी सब्जेक्ट में ऐसा होता हाँ है। तो हाँ बच्चों की हाँ अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि कितना टाइम वो अपना यू नो कॉन्सेप्ट या थ्योरी को दें और उसके बाद कितना जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग को और बैलेंस कैसे करें फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। सही सही बात सर है सर। आपके सब्जेक्ट में कैसा होता है सर इसमें? एक्चुअली इस पर्टिकुलर चीज को अगर देखा जाए ना, तो एक तो ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करती है ना। जैसे आपका थ्योरिटिकल सब्जेक्ट नहीं है, हमारा थ्योरिटिकल है, तो उसमें पहले थ्योरी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, पर कई बार बच्चे क्या करते हैं सर, थ्योरी के अंदर इतने ज़्यादा इंक्लूड हो जाते हैं कि उसको रीड करना करना करना, और वो क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं। पर मेरी सोच, एक मेरी अप्रोच जो है वो इसमें भी इंजीनियरिंग अप्रोच ही रहती है। जैसे आप मैथमेटिक्स फिजिक्स करते हैं, तो मैं जनरली बच्चों को यही कहता हूँ कि आप एक बार रीड करें, मतलब एक बार तो आप अपने हाथों से लिखें उसको, नोट्स को, क्योंकि लिखेंगे तो वो परमानेंट मेमोरी के अंदर चला जाएगा। और फिर उसके बाद में आप क्वेश्चंस करना डायरेक्टली चालू करें, जैसे आप मैथमेटिक्स में करते हैं, जैसे आप फिजिक्स में करते हैं। आप लोग भी बच्चों को बोलते होंगे फॉर्मूला लिस्ट सामने रखिए और क्वेश्चंस लगाना चालू करिए। तो वही मेरा भी मानना यही रहता है कि बच्चों एक बार थ्योरी अच्छे से पढ़ ले, और जब आप क्वेश्चंस कर रहे हैं तो अटेम्प्ट करते जाएं। होगा 10 में से क्या होगा कि 5 क्वेश्चन बनेंगे सपोज करो एक बार में, पर अगर जो 5 क्वेश्चन नहीं बने उनके आंसर चेक करो कि आपने कहाँ गलती करी है, तो उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आपको याद आ जाएंगे, हाँ वो थ्योरी के अंदर वो चीज थी। और ये चीज आपको हमेशा के लिए याद रहेगी, क्योंकि जो क्वेश्चन में गलती करी होती है सर, और अगर आपने वो देख लिया कि रिकॉल कर लिया उसको कि नहीं यार मुझसे गलती हुई थी, तो मेरे ख्याल से वो चीज हमेशा बच्चे को याद रहती है। और बचा एक आध एक क्वेश्चन जो बचता है वो थ्योरी से वापिस देख लो, तो उस बहाने थ्योरी वापिस पढ़ने में आ जाती है, और वो बार बार उसी पॉइंट पे जाता है सर जो क्वेश्चन वाला पॉइंट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, हम केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करते हैं, तो थ्योरिटिकल सब्जेक्ट में तो पहले माहौल बनाया जाता है, जैसे कि भाई वो पोटेंशियल एनर्जी कर्व है, बॉन्ड है। और अब माहौल है भाई, पीएमएस सर का खतरनाक वाला माहौल बना हुआ है। नहीं सर ऐसा माहौल बनाते हैं सर आप, समझ गया सर, मैं कुछ धीरे धीरे सीख रहा हूँ। बताइए सर नहीं बताइए। तो शुरू के एक दो पेज में तो सर वो क्वेश्चन होता ही नहीं है श्योर शुरू, और बच्चा जब भी रीड करता है वो शुरू के एक दो पेज तो बहुत एनर्जी के साथ रीड करता है, और फिर आगे जाके वो एनर्जी डाउन हो जाती है, और जहां से क्वेश्चन आता है वहां से वो थ्योरी को पिक ही नहीं कर पाता है। तो मेरे ख्याल से ये बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। आप कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़े पढ़े, मेरे ख्याल से एक बार अच्छे से फॉर्मूला हो या थ्योरी हो उसको एक बार अच्छे से लिख ले और सीधे क्वेश्चन करने लग जाए, तो ये बैलेंसिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बच्चों सीखोगे क्वेश्चन से ही, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। आप है ना मतलब आमिर खान की तरह चाहे आप टैटू बनवा लो पूरी बॉडी के ऊपर थ्योरी के फॉर्मूले के, पर वो जब तक आप क्वेश्चन में अप्लाई करोगे नहीं ना, तब तक वो याद होंगे नहीं, आई थिंक। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने। मैं मैथ्स का आपको थोड़ा सा बता देता हूँ सर। मैथ्स में हमारे क्या होता है कि मैथ्स में एक रूल होता है, छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा रूल, उसके बाद आते हैं छोटे छोटे नन्हे नन्हे क्वेश्चन, उसके बाद अपना हाँ धीरे धीरे लेवल बढ़ता है। सही कहा मेरा रिकमेंडेशन ये होता है कि देखिए रूल से एज इट इज आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या कह रहा है। बिल्कुल आपकी वाली बात, बिल्कुल सेम मैथ्स फिजिक्स मतलब बेसिकली मैथ्स केमिस्ट्री सब सेम है। तो सेम मैं साइंस कहता हूँ ही बस सर जैसे ही आप रूल्स को थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे क्वेश्चन से फील करते हो, जैसे ही आप आगे बढ़ते हो तुरंत आपको समझ में आता है अच्छा रूल का मतलब ये था। सही बात तो बच्चों बिल्कुल बिल्कुल सही बात ये बहुत अल्टीमेट चीज हुई मैथ्स और केमिस्ट्री, आज यू नो दे आर कन्वर्जिंग। बिल्कुल
बिल्कुल, मतलब दो अलग अलग नेचर सब्जेक्ट के, और दोनों के अपने आप में एक अच्छे एडुकेटर आपके साथ इंटरेक्शन करने को मिल रहे थे, तो अपने आप में एक अच्छी चीज़ है। सर एक जनरल बात जैसे कई बार बच्चों के दिमाग में भी आती है कि आईआईटी करना इतना क्या जरूरी है, मतलब है ना, और करना जरूरी भी है और डिफिकल्ट क्यों है इतना, आईआईटी करना इतना डिफिकल्ट क्यों है? मतलब आप तो सर आईआईटीयन हैं, मैं नॉन आईआईटीयन हूं, ठीक है, अरे वो पर फिर भी सर देखिए वो आगे की चीजें वो अलग है, पर अभी के टाइम पे सर आईआईटी करना डिफिकल्ट क्यों लगता है बच्चों को, या क्यों जरूरी है आईआईटी करना, ये तैयारी करना, होना नहीं होना सिलेक्शन वो अलग चीज है, पर उसके लिए क्या डेडिकेशन होना चाहिए सर, इसके ऊपर कमेंट मतलब चाहूंगा मैं। सर एक्चुअली मैं आपको बताऊं लिटरली इसका एक ही जवाब है सर, इसका एक ही जवाब है, आईआईटी की लड़ाई बहुत लंबी होती है। मैंने जैसे कैट कैट का भी मैंने एग्जाम दिया था, कैट की तैयारी 4 महीने की होती है करीब करीब, अगर आपकी रेटिंग एमिट से आप 4 महीने में कैट का तैयारी कर सकते हैं। पर सर आईआईटी की तैयारी एक्चुअली क्या है, 9th 10th से चालू हो जाती है, 9th 10th के कई सारे कॉन्सेप्ट क्वाड्रेटिक, आपके केमिस्ट्री में भी देखिए आप ऑर्गेनिक के नाम याद होने लग जाते हैं बच्चों को, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, आपकी केमिस्ट्री में भी होता है, फिजिक्स में भी न्यूटन लॉ आ ही जाता है 9th 10th में, तो इट्स ऑल कनेक्टेड। लड़ाई बहुत लंबी है सर, इतनी लंबी सर, मान लीजिए पीएमएस सर मैं और आप मुक्केबाजी कर रहे हैं, बिशम बिशम, ठीक है, अपन 2-5 मिनट अपन लड़ेंगे मजे से, खूब ही एनर्जी के साथ, पर जैसे सर आप अब आपको और मेरे को बोले कि 5 घंटे लड़ो, तो सर जो 5वें घंटे में जो मुक्का पड़ता है वो कितना नरम होगा, प्यार से मुक्का मारूंगा मैं आपका, आप देखो 5 मिनट मार लो, सर यही चीज है आईआईटी में सबसे मुश्किल सबसे डिफिकल्ट टू मैनेज, की लास्ट जब 2 साल होने जा रहे हैं या 3 साल होने जा रहे हैं प्रिपरेशन को, अपनी एनर्जी को उतना ही हाई बना के रखना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है। दूसरा ऑफ कोर्स सर इतने सारे क्वेश्चंस, इतने सारे टाइप के यू नो टॉपिक्स, उसमें अपना इंटरेस्ट बनाए रखना, यही अपने आप में यू नो बहुत ही डिफिकल्ट काम है। आप सोचिए आपका केमिस्ट्री और आपका और केमिस्ट्री, मेरा मैथ्स और मैथ्स में अलग अलग 3-4 और, बिल्कुल अलग अलग सेक्शंस हैं, हर टॉपिक का अपना नेचर है, किसी में इंटरेस्ट बन रहा है किसी में नहीं बन रहा है, तो लड़ाई बहुत लंबी है, सिलेबस बहुत बड़ा है ना सर, ये क्वेश्चन टाइप्स अलग अलग, क्वेश्चन टाइप्स अलग अलग है, बिल्कुल आपने सही कहा, क्वेश्चन टाइप देखिए आप, सिंगल ऑप्शन मल्टीपल चॉइस न्यूमेरिकल टाइप मैच द कॉलम पैराग्राफ में कॉलम मैचिंग, अरे बाबा रे बाबा, ठीक है ना, बच्चा भी बोलता है भाई क्या है, बिल्कुल सही बात है। अब फिर उसके अभी हम ऑनलाइन टीचर बन गए सर हम लोग, सर लाइव क्लासेस में बच्चे अक्सर पूछते हैं कि गाइडलाइंस तो हम देते ही हैं ना अकेडमी पर, कि भी आपको इस तरह से करना है, इस तरह से ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करिए, फिर भी सर आप थोड़ा सा बताइए कि बच्चों को मतलब लाइव क्लासेस कैसे पढ़ना चाहिए। सर ये बहुत अच्छी चीज आपने पूछी, मतलब अक्सर क्या होता है कि बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि कैसे सिंक्रोनाइज करना है चीजों को, और जैसे लास्ट 1.5 ईयर से लाइव क्लासेस हम ले ही रहे हैं और आप मुझसे पहले से ही ले रहे थे, ठीक है, तो मैंने एक चीज इस बार एक्सपेरिमेंट किया, एक साल जो लास्ट पहले शुरू के जो 6 मंथ थे मेरे, उसमें मैंने चीजों को ऑब्जर्व किया और इस साल नए सेशन के अंदर मैंने उसको अप्लाई किया। अब मैंने उसमें अप्लाई ये कहा बच्चों से कि पहले तो मैं बच्चों को बोलता था कि आप लिखोगे नहीं, जैसा कि जनरली हम ऑफलाइन में बोलते थे कि नहीं यार लिखो मत, पहले समझो, पर इस बार मैंने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा जिससे कि बच्चों की एक कॉन्सेंट्रेशन बनी रहे। मैंने उनको बोला कि आप रफ कॉपी लेके बैठो अपने साथ में, ठीक है, और आप है ना मतलब जैसे टीचर पढ़ा रहा है ना, तो रफ कॉपी में हाथ चलने दो, पेन चलते रहे, जिससे आपकी निगाहें जो है वो स्क्रीन पे ही रहेगी, दिमाग यहीं पे रहेगा, और फिर आप उसके बाद में जब क्लास खत्म हो जाए तो उनको फेयर नोट्स बनाओ, जैसा कि जनरली अपन बोलते हैं एक एक बार फॉर्मूला लिखो ही सही, तो उससे क्या होगा आपके नोट्स बहुत अच्छे बन जाएंगे, आपकी क्लास प्रेजेंस बहुत अच्छी रहेगी। अब जब भी आप नोट्स, जब आप वो नोट्स बना रहे होंगे ना रफ से फेयर कर रहे होंगे, तो मेरे ख्याल से आपको एडुकेटर का चेहरा नजर आएगा, जैसे आप बच्चा मैथमेटिक्स के फॉर्मूले लिख रहा है तो उसको वो पूरी क्लास दिखेगी, एमसी सर ने ये चीज बोली थी, तो पूरी उसकी क्लास रिवाइज हो जाएगी और इफेक्टिव रहेगा वो। तो मैंने ये एनालाइज किया और बच्चों को जब मैंने बोला तो उनका फीडबैक भी एक बहुत पॉजिटिव फीडबैक आया कि सर जो आपका वो रफ वर्क वाला जो मेथड है ना सर, उससे चीजें बहुत अच्छे से याद हो रही है। अब वो मेरे इनऑर्गेनिक के अंदर तो बहुत अच्छे से एप्लीकेबल हुई, ठीक है, बाकी मैथ्स फिजिक्स का तो बच्चे पे भी, सर मैथ पे भी मैंने बोला है बच्चों को कि एक तो आप अपनी फेयर कॉपी तो रखो ही, नोट्स हाथों हाथ बनाओ ही, मैंने बोला है बच्चों को रफ कॉपी भी साइड में रखा करो,
हाँ ताकि जब भी कोई क्वेश्चन आए जो उसके लिए मैं तुम्हें थोड़ा बिल्कुल टाइम दे रहा हूँ तो तुरंत, क्योंकि बच्चे अपनी यू नो पेयर कॉपी को खराब नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं हम तो हाँ फुल एंड फाइनल आंसर लिखें इसमें अच्छे से, बिल्कुल सही बात, रफ कॉपी साइड में रखना जरूरी है। ये सर हम ऑफलाइन में भी करते थे और ये इंस्ट्रक्शन हम ऑनलाइन में भी दे ही रहे हैं। बिल्कुल। तो वो बच्चे का क्या है, कंसंट्रेशन अगर बना रहे तो बहुत ही अच्छा रहता है। सर बिल्कुल एक अभी हम लोगों का एक बैच आ रहा है एज प्रोग्राम के नाम हम से, लोग का बैच आ रहा है। हाँ, यस तो सर उसके बारे में बच्चों को थोड़े उसके बेनिफिट्स के बारे में बताइए सर, हम आप। दोनों ही बताएंगे उस बैच के बारे में। तो वो तो बैच बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी पूरे इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें मार्च से या अप्रैल से बच्चे ने तैयारी चालू करी होगी और अभी 8-9 महीने में उसका बहुत ह्यूज 80-90% ऑफ 11th हो गया होगा। सो एनी स्टूडेंट हु इज एस्पायरिंग टू गिव IIT JEE एडवांस एंड मेन एग्जाम आज से 1.5 साल के बाद क्रैक करना चाहते हैं तो वो इस कोर्स में शामिल हो सकता है और इस कोर्स से अपनी 11th का थोड़ा सा रिवाइज और 12th के लिए अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकता है। सर इसमें मैं एक बहुत सही चीज करने वाला हूँ। सर मैंने ना जब ऑफलाइन में था आज से 8-10 साल तक तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि बच्चा ये देखता है कि जो क्लास के इलस्ट्रेशन हैं, जैसा कि अभी अपन बात करते हैं यार, अपन बिल्कुल इतने वेराइटी ऑफ क्वेश्चन आते हैं। सर मैंने मैथ्स का कंटेंट इस बार मैं पूरा चेंज कर दूंगा, अब मेरे वेरी जितने गुड, भी वेरी क्लास गुड, अरे आप इलस्ट्रेशन होंगे वो IIT मेंस और IIT एडवांस, मल्टीपल चॉइस, कॉलम मैचिंग, न्यूमेरिकल टाइप जो जिसमें जो टेस्ट आईआईटी में आए हुए हैं, बेसिकली जो जो आईआईटी में आए हुए हैं आए हुए तो या उन सिमिलर, आए हुए या बिल्कुल सिमिलर आए हुए हैं या क्वेश्चन, सिमिलर, तो उनको फील आए बेसिकली आप किस बच्चे का पर। माइंड ट्रेन हो जाए, मुझे ट्रेन बिल्कुल करना है बच्चे का माइंड। ओके सिंगल ऑप्शन, ओके मल्टीपल चॉइस, ओके ऐसा तो व्हील ट्रेन देम, ट्रेन देयर माइंड फेमिलियर हो जाए वो क्वेश्चन से, फेमिलियर हो जाए फेमिलियर हो उसका जाए। जो फोबिया है वो खत्म होता चला जाए, डर खत्म होता चला जाए। बहुत ही अच्छा सर, मैंने भी इस बार ये जो डिस्कशन हुआ था बैच जब लॉन्च कर रहे थे तब, इस बार मैंने भी इस चीज को रियलाइज किया और मैंने भी कोशिश करी है कि जनरली थ्योरी के साथ में बच्चे को इधर थ्योरी पढ़ाई, अब तू क्वेश्चन कर बेटा, हाथों हाथ अप्लाई कर। तो थोड़ा सा और कोशिश यही है कि जो IIT में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो या उनसे रिलेटेड बिल्कुल वही मैच करते हुए अगर हम लेके चलेंगे तो ये अपन ने जो प्लानिंग करी थी बच्चों के लिए आई थिंक मेरे ख्याल से बेनिफिशियल होगी। सर एक चीज और ऐड करूंगा मैं इसमें, ये जो अपना बेच चालू करने का एक रीजन भी था मेनली कि जो 4-6 महीने, 4-6 महीने जो है मतलब बच्चे काफी कंफ्यूज थे 11th के अंदर कि यार मैं ऑफलाइन जाऊं ऑनलाइन जाऊं, और ऑफलाइन वाले लगातार ये कह रहे थे बस बस अभी चालू होने वाला है, बस बस अभी चालू होने वाला है, बस बस अभी चालू होने वाला है। आई थिंक जो बच्चा रह गया था 11th अच्छे से नहीं कर पाया, तो जो अपन बेच चालू कर रहे हैं सर उसमें मतलब मेरा जो पार्ट है मैं तो उसमें 11th पूरा ही ले रहा हूँ, मतलब शुरू से रिवाइज करते हुए उनको लेके चलूंगा। और आई थिंक आप लोग भी मेरे ख्याल से जो हम बेसिक लोग भी कॉन्सेप्ट, डॉट्स जोड़ देंगे, बिल्कुल हम लोग भी डॉट्स को पूरी तरह कनेक्ट करते हुए चलेंगे ताकि कोई भी बच्चा अनकंफर्टेबल ना हो इस बैच के अंदर, सारे डॉट्स कनेक्टेड होंगे, उसे कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे कनेक्शन नहीं मिल रहा है, ही विल बी कनेक्टेड। तो सर ऐसा बच्चे को लगेगा तो नहीं सर मैं लेट हो रहा हूँ, जैसे बच्चे का डाउट भी आ रहा है मैं सर अगर बच्चा लेट जल्दी नहीं कर करेगा रहा हूँ। अपना सिलेबस तो जल्दी कर लेगा ना, हम स्टार्ट जल्दी कर रहे हैं, डॉट्स को कनेक्ट कर रहे हैं, 11th का भी रिवाइज कराएंगे और उसका सिलेबस कितना जल्दी होगा, अर्ली स्टार्ट तो पेपर की टाइम प्रैक्टिस टाइम भी बहुत फिनिश अच्छी। हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। हाँ तो बिल्कुल बच्चों ये आपके ख्याल से मतलब केमिस्ट्री के एडुकेटर भी मैथ्स के एडुकेटर भी यही बोल रहे हैं बैच के, तो आप लोगों को मेरे ख्याल से अब डरने और घबराने की जरूरत नहीं है बैच को लेके कि सिलेबस कैसे होगा नहीं होगा फास्ट होगा स्लो होगा इन सब चीज़ों की, और आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से हमसे पढ़े हुए जितने भी बच्चे हैं आप उनसे भी डिस्कस कर सकते हैं इन चीज़ों को कि हम लोग कितनी ईमानदारी से चीज़ों को कवर करते हैं। और मतलब मेरे ख्याल से जनरली मैं बच्चों को बोलता भी हूँ और जो हमसे पढ़ लेते हैं वो ये फील करते हैं कि उनके पेरेंट्स के बाद में अगर उनके बारे में कोई सोचता है तो यही एडुकेटर्स हैं आई थिंक। सर मैं इंस्टाग्राम पे एक कमेंट देख रहा था, एक बच्चा था X2 बैच का, उसने कमेंट किया सर स्टार्टिंग अनदर वॉर, आपका आशीर्वाद चाहिए सर, ये युद्ध भी मैं उतनी कुशलता उतनी सफलता इसमें हासिल करूं जितनी आपने मेरे को IIT में दिलाई थी। वो बहुत UPSC की बढ़िया, तैयारी कर रहा है और हमें अभी तक याद रखता है सर बच्चा, मतलब इतने टाइम बाद कि जब वो एक दोबारा दूसरा कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहा है तो ही रिकॉल्स कि मुझे उस टाइम पे यू सक्सेस किस टीचर ने दिलाई थी। बिल्कुल बिल्कुल सर। बहुत सारे अपने जो बच्चे हैं उनके मैसेजेस आज भी यही आते रहते हैं है ना, और ये मतलब अच्छा लगता है कि हम सही डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं बेसिकली। सर बुक्स और स्टडी मटेरियल के बारे में अक्सर मैंने देखा है बच्चा कंफ्यूज रहता है, स्पेशली फॉर केमिस्ट्री। सर मैथ्स में तो क्या होता है, इतना ह्यूज सिलेबस है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैथ्स में बहुत अच्छे से काम हो जाता बहुत है, अच्छे,
और सर आपको क्या आईआईटी मेंस 19 और 20 में जो मेंस की जो इतने सारे स्लॉट्स हुए, इतने सारे क्वेश्चंस बच्चे को मिल गए हैं कि उसे बाहर जाने की जरूरत नहीं है, इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उसका काम हो जाएगा। पर फिर भी सर स्पेशली केमिस्ट्री के लिए सर बच्चा काफी कंफ्यूज होता है। सर केमिस्ट्री में सर आप कौन कौन सी बुक्स वगैरह या क्या कराते हैं सर? सर बुक्स तो सेकेंडरी होती है सर, देखिए बुक्स है ना सबका अपना होता है ना, जनरली तो सर मैं खुद का अपना मटेरियल भी बच्चों को प्रोवाइड करता हूँ और वो मैंने भी तो आपने लॉन्च करी थी सर। जी सर मैंने वो फ्री ई बुक जो है बच्चों को, मतलब मेरे ख्याल से आईआईटी जेई सेक्शन के अंदर इतनी इतने सारे इलस्ट्रेशन वाली बुक फ्री किसी भी एडुकेटर ने नहीं दी होगी। तो मेरी कोशिश थी कि जो मेरा 10 साल का काम था, 10 साल का जो काम था वो जो मैंने इकट्ठा कर रखा था बच्चों को, वो मैंने फ्री प्रोवाइड किया, मतलब कलेक्ट करके अच्छे से। और उसमें प्रॉब्लम्स का अगर मैं लेवल देखूं सर तो बच्चों का ही फीडबैक आता है कि सर वो ऑसम, मतलब तो मैं खुश हूं उससे कि चलिए कुछ एक अच्छा काम मैंने बच्चों के लिए किया है। ठीक है पैसा कमाना अपनी जगह है, तो वो मटेरियल में बुक बच्चों को है ना फ्री देता हूं जिससे कि सर सब सब जगह तक पहुंचे, मतलब हर तरह हर जगह का बच्चा वो कर सके। जैसे अपन ने यूट्यूब पे सर फ्री वीडियोस अनअकैडमी एक्सेलरेट पे भी है ना, तो बच्चे पढ़े, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी प्लस सब्सक्रिप्शन ले पाते। तो मेरी कोशिश यही थी बुक देने का, मटेरियल देने का, कि बच्चों तक वो मटेरियल पहुंचे और जो बच्चे इनऑर्गेनिक को लेकर डरते हैं वो क्वेश्चंस लगाए और बिंदास लगाए, सारा डर खत्म। सर आप यकीन नहीं मानेंगे मैं यूट्यूब पे पूरी जान लगाता हूँ, भले थोड़ा कम आ पाता हूँ मैं मानता हूँ, पर पूरी जान लगाता हूँ यूट्यूब पे। और स्पेशल क्लासेस भी इतनी वैल्यूएबल क्लासेस होती हैं और बच्चे सही में अप्रिशिएट करते हैं कि सर स्पेशल क्लासेस और यूट्यूब क्लासेस आपकी बहुत वैल्यूएबल होती है। सर मैंने एक चीज ऑब्जर्व भी करी सर, जैसे जब हम ऑफलाइन पढ़ाते थे तो जैसे 12th कंप्लीट हुआ, हम बच्चे को 12th कंप्लीट होते फ्री कर देते थे, या 11th कंप्लीट हुआ 2-3 महीने का गैप मिल जाता था। पर सर अनअकैडमी ने जो है बच्चों को एक बेहतरीन चीज दी है जिससे बच्चे लगातार एडुकेटर से जुड़े रहते हैं। इधर आपकी थ्योरी खत्म हुई, आजा बेटा अब प्रॉब्लम सॉल्विंग चालू करेंगे, अब क्वेश्चंस करेंगे, अब रिवीजन करेंगे, एन नंबर ऑफ एडुकेटर्स हैं सर। तो वो किसी भी एडुकेटर से वापस अपने सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकता है कहीं भी पढ़ा हुआ हो। तो सर एज के अंदर सर जो बच्चा 11th कहीं और पढ़ा हुआ है किसी भी एडुकेटर से, वो भी एज के अंदर ज्वाइन कर सकता है? सर ऑफकोर्स, मैंने बताया ना सर पूरे इंडिया का कहीं पर भी कोई बच्चा हो, हम इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि बच्चे ने 11th के जो बहुत बेसिक टॉपिक्स हैं अगर वो कर रखे हैं तो ही कैन कम एंड जॉइन एज बैच, कोई डाउट ही नहीं। बिल्कुल, वो बच्चे के ही डाउट को लेके एक में मतलब अननोन की तरह ही आपसे पूछ रहा था। बिल्कुल तो सर मतलब सर जो आवर्स होते हैं, जैसे जनरली बच्चों का एक क्वेश्चन होता है कि सर मुझे कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो मेरा तो एक जनरली जवाब होता है कि मतलब आप एक बैलेंस बना के चलें बस जो हो सकता है। तो सर मेरे ख्याल से वो बैलेंस आप ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो बैलेंस क्या होना चाहिए? सर बैलेंस बनाना, सर मैं मेरा तो सर काफी आवर्स बैलेंस जीते क्योंकि सर मेरे टाइम पे थोड़े डिस्ट्रैक्शंस थोड़े कम थे। मेरे ख्याल से पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सर आवर्स को बैलेंस करने का। बिल्कुल, मतलब अगर आप अपने बच्चे के साथ 3 घंटे अगर बैठे हैं, बच्चे के साथ आप, बच्चा टेबल पे पढ़ रहा है आप भी साइड में 3 घंटे बैठ रहे हैं, ठीक है, तो मेरे ख्याल से बच्चे के आर स्टडी आर 6-7 घंटे तो हो ही गए सर। और आपका उसका बच्चे का टाइम टेबल भी लॉक हो गया, खाने का टाइम सुबह का, दोपहर के खाने का टाइम, रात के खाने का टाइम, अगर दोस्तों से मिलने जाना है 1/2 घंटे 1 घंटे, खेलने का टाइम सब लॉक हो गया। अगर पेरेंट्स अगर बच्चे के साथ 3-4 घंटे बैठ जाए, कोई एक पेरेंट 3-4 घंटे बैठ जाए, तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद टाइम टेबल फॉलो कराने में कोई दिक्कत आती है। बच्चा अपने आप ही देखता है कि भाई पेरेंट्स ही मेरे साथ बैठे हुए हैं तो मुझे कहीं उठ के जाना नहीं है, ठीक है। और सर पेरेंट्स तो बहुत हेल्प करते हैं, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मेरे पेरेंट्स मुझे टाइम करते थे क्योंकि हमारे टाइम पर सर पेपर ऑनलाइन नहीं होता था। अनअकैडमी पर तो बच्चा आता है कॉम्बैट देता है ऑनलाइन, ठीक है, अनअकैडमी पर आता है बच्चा रेस देता है ऑनलाइन, पर हमारे टाइम पर सर फिटजी वाले जो है वो टेक होम टेस्ट देते थे, तो हम लोग घर पे टेस्ट देते थे, तो घर पे मैं, मेरी सिस्टर मुझे वॉच करती थी कि टाइम पे दिया नहीं दिया, मेरे मार्क्स कितने आए, वो सब कैलकुलेट करना। सर तो पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है टाइम टेबल के, आवर्स को स्टेबल बनाना। मैं ये सर मैं ना आवर्स ऐसे नहीं मानता, मैं आवर्स ऐसे मानता हूँ कि 8 घंटे एक दिन पढ़ ली, अगले दिन 4 घंटे पढ़ ली, ये बहुत गलत है। आपको 6-7 घंटे का एक एवरेज, यू नो डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कितनी क्लासेस अटेंड करी, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी एक दिन, जैसे फिजिक्स की ऑर्गेनिक की भी है, इनऑर्गेनिक की भी है, फिजिकल की भी और मैथ्स की और फिजिक्स की भी होगी, तो उस दिन आप आवर्स कम कर लो, पर एक दिन अगर थोड़े कम क्लासेस है उस दिन स्टडी आवर्स ज्यादा कर लो। और बच्चा भी सर खुद तो मोटिवेट होना ही चाहिए ना सर, है ना।
सर आप भी देखो, सही बात है। आप सक्सेसफुल कैसे बने एज ए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एडुकेटर, आपने ये बुक लिखी, आपने आवर्स पुट किए होंगे ना सर, तो एक फैमिली के साथ आपका यू नो एक मुझे फैमिली को इतना टाइम देना है, मुझे क्लासेस को इतना टाइम देना, ऐसा कुछ आपने मैनेज किया होगा। सही बात है सर। पेरेंट्स का रोल जो आपने बताया उसका एक मैं एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपने अपने आप की उस चीज को क्लेरिफाई कर दिया। मैं बताता हूँ, मैं एक बिजनेस फैमिली से था, तो फादर बिजनेस में थे, तो इतना ध्यान नहीं था कभी कि नहीं आपको आईआईटी की तैयारी करनी है। मेरे दोस्त के जो आपके साथ था डेडिकेशन पेरेंट्स का, ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स किसी का गलत चाहते हैं, पर अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा आईआईटी की तैयारी करे तो उनको साथ में बैठना पड़ेगा, डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। मेरे एक फ्रेंड है, अभी इनकम टैक्स ऑफिसर ही है वो, तो उसके पेरेंट्स उसके साथ रहते थे, बैठते थे, तब जाके उसकी सिटिंग हुई। और सिटिंग हुई, ऐसा नहीं है कि हमने एडमिशन करा दिया और बस बच्चा पढ़ ले और आईआईटी चला जाए। वो बहुत कम बच्चे होते हैं ऐसे, उनके वो बहुत ही कम बच्चे। तो मेरे ख्याल से ऑनलाइन में भी उनको मतलब चेक करना चाहिए बच्चे पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, या बैठे पास में वो अपना वर्क करता रहे, बच्चा अपना पढ़ता रहे। पर आजकल सर वर्क फ्रॉम होम का कल्चर हो गया है, तो पेरेंट्स भी काफी हद तक सर वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं, तो बहुत आराम से ये जो तालमेल बिठाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। तो पेरेंट्स का डेडिकेशन एक इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा, मैंने कई बार देखा है पेरेंट्स को कि वो 11th में जाकर उनको लगता है अभी आईआईटी की तैयारी चालू करेगा। अरे प्रभु, उसकी आईआईटी की तैयारी तो 9th से चालू हो चुकी है, कई सारे टॉपिक 9th में है, उसको वहीं पर आप अच्छे से प्रैक्टिस कराइए, वहीं पर उसके स्टडी आवर्स। भाई ऐसा तो है नहीं 9th-10th में स्टडी आवर्स 3 घंटे हैं और 11th में आके वो 6-7 घंटे पढ़ने लगेगा। आपको 9-10 से थोड़ा सा उसका रेगुलर यू नो सीडिंग प्रॉपर होनी चाहिए। सीडिंग बेसिकली प्रॉपर होनी चाहिए। मतलब मैं भी जनरली ये चीज बच्चों को बोलता हूँ, जैसे बच्चे पूछते हैं सर मैं 9th में हूँ 10th में हूँ तैयारी चालू करूँ, करना चाहिए। आप एटॉमिक स्ट्रक्चर बच्चों जैसे 9th-10th में पढ़ रहे हो, 11th में फिर से पढ़ोगे, पर आप जो 9th-10th में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो ना, अगर उसको आप आईआईटी लेवल पे जाके अच्छे से पढ़ने की कोशिश करोगे ना, तो एक तो इंटरेस्ट एंथू, और फर्स्ट टाइम जो आप पढ़ रहे हो ना कोरे कागज पे जो लिखोगे उसको लिखने का मजा ही आई थिंक अलग होगा। तो बच्चे तैयारी चालू कर सकते हैं 9th-10th से, ऐसा कोई इशू नहीं है, कर रहे हैं और लोग कर भी रहे हैं, करते हैं और सक्सेसफुल भी बहुत अच्छे, बड़ी सक्सेस भी वहीं से यू नो स्टार्ट करके पाई है कई बच्चों को। सर मैंने ये देखा है कि शेड्यूल इम्पॉर्टेंट है, जैसे आपने आर्स के बारे में बोला सर, जैसे मैं एक बार उदयपुर गया था अपनी आईआईटी की प्रिपरेशन के टाइम पर, मेरी आईआईटी की तैयारी चल रही थी, मैं कोचिंग जाता था और टीचर के पास जाता था, तो मेरे फादर ने देखा है बहुत ज़्यादा थक गया है, बिल्कुल थक गया है, इसकी आंखें थोड़ी काली काली सी हो गई हैं, इसको वेकेशन चाहिए। तो माय फादर टुक मी टू उदयपुर, हम 3-4 दिन के लिए उदयपुर घूमने गए थे। तो मेरे टीचर ने मेरे को बोला कि उदयपुर क्यों गए, मैंने कहा मेरे पापा से बात करो, तो पापा ने बोला कि भाई उसे चाहिए था, उसे थोड़ा सा मतलब यू नो। तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि आप घूमिए, आप बैलेंस बनाइए, एकदम से आप 8 घंटे पढ़ने की कोशिश मत करिए, 6-7 घंटे से स्टार्ट करिए, स्टेबल रखिए उसको, स्टेबल रखिए। एक्सेस करेंगे तो आपका इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा आई थिंक। सिलेबस का मैंने देखा है सर, सिलेबस का ट्रैक बच्चा कई बार, जैसे मान लीजिए आज स्टार्ट किया उसने प्रिपरेशन, आफ्टर 3 मंथ्स ही लॉस्ट ट्रैक, अरे यार वो 3 महीने पहले क्या पढ़ा था। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है सर, स्पेशली केमिस्ट्री में। ये बिल्कुल सही बात है, टॉपिक बहुत सारे हैं सर, और केमिस्ट्री बहुत जल्दी भूलता है बच्चा, मैंने देखा है सर। हमारे मैथ में क्या है कि मैथ में ना सर्कल आया, अब 3 महीने बाद हम पैराबोला पढ़ाएंगे, कोनिक पढ़ेंगे, रिकॉल हो गया। सही बात सर, केमिस्ट्री में हमारे क्या है, इसमें जनरली क्या है, मैं बच्चों को 2 चीज बोलता हूँ, इसमें एक एड ऑन भी दूंगा मैं, मतलब एक बात और साथ में ऐड करूंगा। जैसे क्या होता है, बच्चे आईआईटी की तैयारी करना चालू कर देते हैं, पर वो कभी सिलेबस खुद ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड ही नहीं करते हैं सर। सबसे बड़ी समस्या है कि मुझे पढ़ना क्या है उसको यही पता नहीं है, कहीं भी किसी से भी पढ़ते हो ना वो आंख बंद करके पढ़ते रहते हैं। कुछ बच्चे होते हैं अवेयर, बच्चे होते हैं सिलेबस डाउनलोड करते हैं प्रॉपर सिलेबस। तो बच्चों जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं ना, मैं उनसे यही कहूंगा आप सिलेबस प्रॉपर वेबसाइट से डाउनलोड करें और उसके 2 प्रिंट निकालें सिलेबस के लिए। एक प्रिंट पे तो वो टिक लगाएं कि टीचर ने ये पढ़ा दिया, दूसरा टिक 2 कलर से लगाएं टिक, और दूसरा टिक लगाएं कि ये आपने भी पढ़ लिया। तो जैसे जैसे 2 टिक लगते चले जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा कि यार मेरा कितना सिलेबस कंप्लीट होता जा रहा है ना। और मतलब हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, अनअकैडमी भी ऐसा कुछ कर सकता है कि बच्चा जब वीडियो देख रहा है, क्लासेस कर रहा है, तो मेरे ख्याल से बच्चों का सजेशन था कि बच्चों का भी ट्रैक चलता रहे,
कि उनका सिलेबस कितना कंप्लीट हो गया है। सर अनअकैडमी पर जो अपना क्या कहते हैं आइकॉनिक जो ऑफरिंग है सर, उसमें एक पर्सनल कोच आईआईटी एक्सपीरियंस को दे दिया जाता है एंड ही कीप्स द ट्रैक, वो ट्रैक रखते हैं और सर पर्सनल कोचिंग भी अवेलेबल है। ये तो बहुत ही अच्छी चीज हो गई, मतलब उसको पता चलता जाएगा। और अगर आप आइकॉनिक नहीं ले पा रहे हैं और प्लस भी नहीं ले पा रहे हैं, मैं तो आपसे ये कहूंगा एक बहुत बेसिक बात है कि आप सिलेबस डाउनलोड करें और टिक लगाते चलें कि आपके टीचर ने क्या क्या पढ़ा दिया। सपोज करो कि मनोज चौहान सर ने, वैसे तो मनोज चौहान सर बहुत जिम्मेदार है, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सपोज करो मनोज चौहान सर ने एक टॉपिक पढ़ाया और उसमें से कोई टॉपिक आईआईटी के सिलेबस के हिसाब से स्किप हो रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है बच्चों कि आप सिलेबस देख के मनोज चौहान सर से पूछें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, पूछें कि भाई सर ये कब हो सकता है, पूछने का तरीका होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। सर बच्चे पूछते भी हैं, एक्चुअली बच्चे वेरी वेल अवेयर हैं अकेडमी के और पूछते भी हैं कि सर ये टॉपिक नहीं हुआ, फिर मुझे उनको बताना पड़ता है कि बच्चों कई, क्योंकि सर एक्चुअली ये प्रॉब्लम क्यों आती है मैं आपको बताऊँ, एनसीईआरटी में क्या होता है कि चैप्टर्स का कुछ यू नो एक सीक्वेंस है, स्टूडेंट गोज एंड सीज द एनसीईआरटी, वो डाउनलोड नहीं करता, आपने बहुत अच्छी बात कही, वो डाउनलोड नहीं करता, वो एनसीईआरटी का सीक्वेंस देखता है। कई सारे चैप्टर्स तो ऑफ कोर्स जैसा मैंने आपको बताया कि हम एक एज प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें 11th के बहुत सारे चैप्टर्स बच्चे लाजमी सी बात है उन्होंने कर रखे होंगे, डॉट्स भी हम कनेक्ट कर देंगे, हम सारी चीजें उनको कवर करा देंगे, पर बच्चा उसी सीक्वेंस को इतना यू नो ऑब्सेसिवली फॉलो कर रहा है कि ये देख नहीं पा रहा कि अगर कोनिक सेक्शन 12th में है तो उसका कोई रीजन है वो एनसीईआरटी की 11th क्लास में, और कुछ टॉपिक अगर 11th के 12th में हो रहे हैं तो ये टीचर हम लोग जनरली बता देते हैं, अगर नहीं बताते कभी बीच में बच्चा जैसे ही पूछता है वैसे ही सही बात है आसम हो जाता है। पर आपने सही बोला, बच्चे के पास लिस्ट होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से एनसीईआरटी की जगह मेंस और एडवांस की वेबसाइट से जो लास्ट ईयर के सिलेबस है आई थिंक वो होनी चाहिए उनके पास में। बिल्कुल बिल्कुल वो तो होनी चाहिए। तो सर ये तो बहुत ही मतलब बढ़िया वाली चीज हो गई, आज बहुत सारी चीजें जो है हमने बच्चों को बता दी हैं, बच्चों की पॉइंट्स जो हैं हमने शेयर किए, अपने पॉइंट्स भी बताए हैं सर। सर ऐसे इंटरेक्शन सर होते रहेंगे और होने भी चाहिए सर, क्योंकि दो डिफरेंट एडुकेटर्स जब बातें करते हैं तो बच्चे का ध्यान जाता है उन दोनों सब्जेक्ट की आपस में कोरिलेशन से और इम्पोर्टेंस से। बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, बिल्कुल सही, वो बैलेंसिंग ही उसको आईआईटी में लेके जाएगी। yes, सिर्फ इनऑर्गेनिक से प्यार हो जाएगा तो काम नहीं चलेगा, सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे तो काम नहीं चलेगा, सबके साथ बैलेंसिंग करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। तो बच्चों बांध दो कमर और फिर देखो बस क्या करते हैं अपन, ठीक है, वो ही तीर निकाल के और है सर, सर का जो ठीक है सर, थैंक यू सर फॉर योर टाइम। बिल्कुल सर जरूर, बेस्ट ऑफ लक बच्चों, मिलते हैं क्लासेस के अंदर। यस क्लासेस में मिलते हैं, एज बैच सी यू। चल उठ जा, लेट्स क्रैक इट, जोर दे लगा, लेट्स क्रैक इट, खेल को छोड़ दे।